दोस्तों भारत सरकार की एक नई वैकेंसी जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की निकाली गई है, इसके बारे में जानकारी आपको लिखित तौर पे यहाँ पे हमने डाला है। आप सर्च करेंगे गूगल पे जाकर keyeducation.in, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे जो है डिटेल जानकारी इस वैकेंसीज के बारे में अपडेट की गई है। कुल कितनी भारत सरकार ने रेलवे के तहत यहाँ पर RPF की वैकेंसीज को लेकर पोस्ट निकाले हैं, इसकी टोटल जानकारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस जानकारी को देखिएगा। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो चुका है और ये 14 मई तक लास्ट डेट है। ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को जाके, और मैंने यहां पर फॉर्म भरने का लिंक भी दे रखा है कि आप डायरेक्टली यहां से जो है क्लिक करके आप RRB की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां से आपको जो है RRB पटना का ये ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा और आप यहां से क्लिक करके आवेदन कर लेंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि आप जो है हमारे चैनल पे आएंगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपको बना के दिया है कि फॉर्म को कैसे भरना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको एक क्रिएट करना है अपना अकाउंट, और जो कि अकाउंट आपका क्रिएट होगा उसी अकाउंट के जरिए आप SI का भी फॉर्म भर सकते हैं और कांस्टेबल का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आज बात यहां पे कांस्टेबल की हो रही है, तो टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर रखा है। टोटल वैकेंसीज यहां पे 4208 पदों की निकाली गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर हम इसका एग्जाम देंगे PET, और एग्जाम क्लियर हुआ तो हम इसके बाद जो है PET के लिए सिलेक्शन लेने को जाएंगे। तो PET में जाने से पहले आपका PMT क्या होना चाहिए, यानी कि फिजिकल जो है मैनेजमेंट, आपका जो मेजरमेंट जो स्किल है वो क्या क्या होना चाहिए, टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से चुपचाप बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो भी छात्र इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, आपके लिए जो है यहाँ पर कुछ PDF नोट्स तैयार करके दिए गए हैं। आपको क्या करना है कि exam.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे ये PDF नोट्स, जो कि उन 1000 पहले अभ्यर्थियों को सिर्फ 50 रुपये में ये मिल रहा है। ध्यान सुन लीजिएगा, उन पहले 1000 अभ्यर्थियों को यहाँ से आप क्लिक करके ये नोट्स खरीद सकते हैं, जहाँ पे लगभग आपको यहाँ पर 4200 के आसपास जो है वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन कैसे होंगे इसका जो है इस PDF में जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो है 1000 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो कि आपके रेलवे या RPF, SI या कांस्टेबल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे जो कि 90% बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको 1000 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 700 से भी ज़्यादा ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि NCERT साइंस का सार संग्रह होगा, जहाँ से एकदम क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये इजी लेवल से डिफिकल्टी लेवल तक का जो है क्वेश्चन सेट करके यहाँ पे दिया गया है। वन लाइनर के फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा इसका PDF, और ये NCERT के सार संग्रह पे आधारित है। तीसरा जो है यहाँ पर आपको मिलेगा रेलवे के एग्जामों में बार बार पूछे गए उन GK और GS वाले क्वेश्चन आंसर, जो कि लगभग 2500 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। जहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे इसका PDF तो आप लोग भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ बाई नाउ पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने एक ओपन पेज हो जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करने का डिटेल ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे अपना email ID और एक फ़ोन नंबर दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आप UPI के जरिए या रुपये कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे इस चीज़ को खरीदने में दिक्कत होती है तो इस सपोर्ट नंबर पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप education@6 का नाम जरूर बताइएगा कि यहाँ से हम लोगों ने देखा है, तो आप को ये सूचनाएं मिली हैं, तो ये कुछ समस्याएं जो भी होंगी वो यहां से सॉल्व आउट किया जाएगा आप लोगों का। तो ये जानकारी है दोस्तों इस PDF को लेकर, जो कि आपको जरूर लेना चाहिए अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, अब लग भी जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम तुरंत होगा इसका, इसकी जानकारी है यहां पे। तो अब चलते हैं और बात करते हैं यहां पे कि सिलेक्शन कितना होगा छात्रों का। तो सिलेक्शन की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पे चलते हैं। पहले हम PET से शुरुआत करते हैं, यानी कि आपका जो है प्राइमरी टेस्ट जो होता है उसके जरिए जो आपका सिलेक्शन होता है उसके जरिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा आपका, पहले तो ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और ये जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और तीसरा फेज होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पर मेन जो आपका सवाल उठेगा कि सर इसमें रिजेक्शन कैसे होगा, तो रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पे आपको बनेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि CBT तो आप तैयारी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कठिन भी है। मैं बता दूं कि 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंपटीशन आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ टफ भी नहीं होगा ये जानकारी इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार जो आपका सिलेक्शन होगा वो जोन वाइज सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता था कि कोई कोई जोन का जो एग्ज़ाम होता था काफ़ी कठिन चला जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि कट ऑफ जो है 120 तक भी चला जाता था। मान लीजिए 120 क्वेश्चन है तो 120 तक भी एग्ज़ाम का कट ऑफ गया हुआ यहाँ पे। तो ऐसे में इस बार जो है उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया गया है, जोन वाइज यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही सिलेक्शन होगा। तो ये एक आपका बेनिफिट है यहाँ पे। लेकिन
आसान भी इस एग्जाम को नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग इसका 1/3 रखा गया है, प्लस नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही क्योंकि अलग अलग सेक्टरों में परीक्षाएं होंगी, तब जाके आप जो यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। अब जो सिलेक्शन होंगे छात्र, आपको बता दें कि वैकेंसीज का 10 गुना छात्रों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 42,080 छात्रों का सिलेक्शन होगा जो कि यहाँ पे छात्र सेलेक्ट होकर पीईटी के लिए जाएंगे। अब पीईटी में जाएंगे तो उनका पीईटी का जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है और पीएमटी का एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल जो होगा और वेन्यू जो होगा आप लोगों को बताया जाएगा जो भी आरआरबी की वेबसाइट है या एसएमएस या ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। तो आप अपना एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो है ऐसा जरूर दीजिएगा जो कि हमेशा एक्टिव रहे टिल एग्जामिनेशन तक। रिक्वेस्ट फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ स्टेज और चेंज द वेन्यू डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटर्ड। देखिए आपके कहने के अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि आपके रिक्वेस्ट पे कोई भी डेट आपका एक्सटेंड या चेंज नहीं किया जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आरआरबी आपको डेट और एग्जामिनेशन का डेट देगी वेन्यू देगी वहीं जाके आपको एग्जाम भी देना होगा। अब जो सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों, इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका पूरा पैटर्न ऑफ सिलेबस दिया गया, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, डिटेल में भी अपडेट किए हुए हैं। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय होगा और जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th के लेवल का होगा। निगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पे पंगा है कि हर क्वेश्चन 1 मार्क और निगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है, और यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर को लेकर जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जनरल को भी 35% बोला गया है कि लेकर आइए और पास होइए, जो कि जनरली 40% होता है, और चूंकि निगेटिव मार्किंग ज्यादा होने के चलते ये जो है इनको भी 35% में रखा गया है। नॉर्मलेशन होगा आपका तो ये थोड़ा सा कठिन बनाएगा आपके सिलेक्शन को, और ये तो हो गया। यहाँ से आप जो है 12वें पॉइंट में जो है पॉइंट सी पढ़िएगा तो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, अर्थमेटिक रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस से किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स भी पूछे जाएंगे इसको ध्यान में रखना है। जो भी छात्र देखिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं या आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वो पीडीएफ जरूर खरीद लीजिएगा, जो कि हमने आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसका वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, चूंकि रिजेक्शन यहाँ से होंगे। बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन फिजिकल पे ध्यान बहुत लेट देते हैं, तो वो नहीं देना है। यहाँ पे बोला गया है कि 10 गुना छात्रों को हम वैकेंसीज का बुलाएंगे पीटी के लिए यानी कि और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 10 गुना छात्र यानी कि 42,080 छात्र का सिलेक्शन होकर जाएगा पीटी और पीएमटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कैटेगरी वाइज और ग्रुप वाइज आपका मेल और फीमेल और एक सर्विसमैन के कैटेगरीज के अनुसार आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पीएच कैटेगरी वाले छात्रों को अलाउ नहीं है फॉर्म भरने को लेकर, और चूंकि मैंने फॉर्म भर के बताया भी था सुबह में, उसमें जोन वाइज भी आपका सिलेक्शन इस बार जो फॉर्म नहीं भरवाया गया है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। तो अब देखिएगा तो जो पीईटी होगा, पहले पीईटी के बारे में जान लेते हैं। 1600 मीटर का रनिंग होगा, 5 मिनट में 45 सेकंड में मेल कैटेगरी को कंप्लीट करना होगा। वहीं पे फीमेल को 800 मीटर का रन रखा गया है और 3 मिनट 40 सेकंड का ये आपको रनिंग रखा गया है। लॉन्ग जंप में पुरुषों के लिए 14 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट, हाई जंप में 4 फीट और 3 फीट महिलाओं के लिए रखा गया है। तो ये दो चीज़ें भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो है पीएमटी यानी कि जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है उसमें आपको क्वालिफाई रखना होगा खुद को, यानी कि अगर आप होंगे तभी आप फॉर्म भरिएगा। एक पहली चीज़ तो एज क्वालिफिकेशन का ध्यान रखिएगा कि आपका जो है 18 से लेकर 28 तक का जो है एज होना चाहिए तो आप आवेदन करेंगे। दूसरी चीज़ की हाइट को लेकर मेल कैटेगरी 165 सेंटीमीटर और महिलाएं जो है 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी को लेकर 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल में और फीमेल में 152 सेंटीमीटर, और जो गोरखास, घरीवाल, मराठास, दुगराज, कुमाऊस है ना, ये सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है ये, तो उनकी हाइट यहाँ पे 163 सेंटीमीटर पुरुषों में और महिलाओं में 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट में यह ध्यान रखिएगा जो पुरुषों के लिए ही सिर्फ यहाँ पर रखा गया है 80 से 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, वहीं पर एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 का रहना चाहिए सेंटीमीटर में, और वहीं पे इन जो स्पेशल कैटेगरीज को लेकर दिया गया है 80 से 85 सेंटीमीटर का ही चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें फेल नहीं होना है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकली अगर आपको फिट रहना है तो देखिए आपको कहाँ से और कैसे बाहर किया जाएगा। 12.4 नंबर का जो पॉइंट है इसको पढ़िएगा यहाँ पर कि आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि देखिए आपका पीईटी हो जाएगा, पीएमटी हो जाएगा और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो क्या मेडिकल टेस्ट में रिजेक्शन होते हैं? एग्जैक्टली होते हैं, ठीक है। आपकी थोड़ी थोड़ी गलतियों के चलते ये चीज़ें आप यहाँ पर जो है सुधार अगर नहीं अभी से करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं रिजेक्शन होगा। जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि चश्मा पहनते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोज हु वियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट, जिनका पैर चपटा होता है, जैसे कि बहुत लोगों का नहीं होता है कि चपटा पैर होता है पूरा फ्लैट फुट, तो उनको यहाँ पर समस्या होगी। और नॉक नी यानी कि घुटने में अगर जो घुटने की जगह पर नॉक करके देखा जाएगा वहाँ पर अगर खट खट की आवाज़ कुछ आती है ऐसे तो वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है, क्योंकि उनको जो है आगे चलकर क्राइसिस का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये चीज़ें जो है कि फोर्सेस वगैरह में भी देखे जाते हैं डिफेंस के जॉब में भी, तो ये भी एक डिफेंस का ही जॉब है। वियरिंग ग्लासेस वाले को अलाउ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यह अलाउ होगा भी तो मेडिकली आपका कैटेगरी वाइज चेक भी होगा इन सभी चीज़ों को लेकर, और जो कि बी वन
प्रिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर एक कैटेगरी है जिसके जरिए आपका ये सारा मेडिकल फिटनेस चेक होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वियरिंग दोज हु वियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट नॉक नी स्क्वेंट आइज, मतलब जो थोड़ा सा अड़ा टेढ़ा, जो जिनकी आंखें नहीं हो जाती है ना डीप जिसको कहते हैं हम लोग, तो वैसी आंखें भी आपकी नहीं होनी चाहिए, मत कीजिएगा अप्लाई। कलर ब्लाइंडनेस का जिसको प्रॉब्लम है जैसे कि उसमें भी, तो वो भी छात्र अप्लाई नहीं करेंगे। ऑन अदर बॉडीली इन्फर्मिटीज आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, इन लोगों को सीधे तौर पे मना किया गया है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग अप्लाई ही मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और इसमें अगर आप पाए जाते हैं तो विल नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट एंड डज नॉट इम्प्ली दैट द कैंडिडेट हैज़ बीन द इंक्लूड सेलेक्ट लिस्ट, तो आपको सेलेक्ट लिस्ट में नहीं भी रखा जाएगा, तो यहाँ से रिजेक्शन होंगे। तो इस चीज़ का पहले आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे आपका रिजेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। फिर आपको यहाँ से सिलेक्शन अगर होता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और ये ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसेस दिया गया फॉर्म भरने को लेकर, जो कि मैंने आपको आज वीडियो बताया है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे वो जोन के वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस बार जोन वाइज है आपका वैकेंसीज नहीं दिया गया है, तो और कोई डाउट है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और एक फॉर्म के जो आपके लिस्ट जो कि डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है उसके ऊपर एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।